हैं शहजादे दुनिया को दिखाने आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने पूछो ना ये कैसी रात होगी आज हर शू चारों तरफ होगी अपनी बात फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगा और ताली बजेगी अब खेल जमेगा फिर सीटी बजेगी स्टेज सजेगा और ताली बजेगी अब खेल जमेगा। रमजान मुबारक में जहां एक तरफ सहर और इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है तो वहीं दूसरे जानिब कराची में नौजवानों और क्रिकेट के शायकीन की जानिब से रमजान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट भी कराए जाते हैं जिसमें नौजवान खुलकर हिस्सा लेते दिखाई देते हैं। कोरंगी मेहरान टाउन में भी UC8 के सदर साकिब खान की जानिब से 5 रोजा टेब बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद कराया गया जिसमें 8 टीमों ने शिरकत की जिसका फाइनल गुज़श्ता शब खेला गया जबकि फाइनल के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील रिजवान थे। उनका कहना था कि अच्छा लगता है यूं नौजवानों का खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है इस टाइम, ये नौजवान नस्ल जो हमारी बेसिकली यूथ है उसकी एंटरटेनमेंट के लिए, आप इस इलाके में घूम रहे हैं, ये मेहरान टाउन है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का एक इलाका जहाँ पे कच्ची आबादी इलाका है जहाँ एंटरटेनमेंट बहुत कम है, तो हम लोग यहाँ के जो लोकल दोस्तों की तवज्जो से हम उनको सपोर्ट करते हैं कि वो ऐसी एंटरटेनमेंट्स यहाँ पे नौजवानों को दें ताकि नौजवान नस्ल जो है वो स्पोर्ट्स के और ऐसी अच्छी चीज़ों के पीछे जो टाइम दे और अपना वक्त वहाँ पे लगाए, इसके बावजूद जो वो अपना वक्त बर्बाद करें वो यहाँ पे करें। और इंशाल्लाह इसी टूर्नामेंट्स के थ्रू हम लोग इन्हीं चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, स्पोर्ट्स को यहाँ पे मौके करा रहे हैं कि नौजवान नस्ल यहाँ पे इंटरेस्ट ले और भरपूर तरीके से यहाँ पे यूथ जो है वो स्पोर्ट्स का मज़ा ले सके। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह यहाँ पे अभी जिस तरह अब ग्राउंड की हालत देख रहे हैं, ये ग्राउंड नहीं है, ये मैदान है, इंशाल्लाह इसको प्रॉपर एक ग्राउंड के अंदर भी तब्दील होगा। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक विजन रहा है कि वो यूथ को और इस तरह की एंटरटेनमेंट्स को कराची के शहरीों को बिलखसूस कच्ची आबादी के शहरीों को इंशाल्लाह हम लोग इन ग्राउंड्स को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तब्दील करने की पूरी कोशिश है और जल्द इस तरह के जो मैदान ग्राउंड आप देख रहे हैं वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में तब्दील होंगे और इंशाल्लाह यहाँ की यूथ और नौजवान उनको अवेल करेंगे और ताकि हमारी जो आगे नस्ल है वो फुटबॉल क्रिकेट बास्केटबॉल जितने भी अच्छे स्पोर्ट्स हैं उनके अंदर टाइम दें और हमारा टैलेंट जो पाकिस्तान और जो कराची के शहरियों का टैलेंट है वो आ गया है, यही मौके पे चीज़। जबकि ऑर्गेनाइजर साकिब खान का कहना था कि ये अभी इलाकों के हिसाब से कराया है, आने वाले दिनों में ऑल कराची में कराएंगे। मेरा मकसद और मेरा मिशन यही है, यहाँ से हमारे इस आबादी में सबसे ज्यादा मंशियात का जोर है इस टाइम पे, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जितने भी बच्चे यंग लड़के हैं जितने भी क्रिकेटर हैं मैं उनके लिए ये एक ख्वाहिश और एक उम्मीद था मेरा कि मैं ये टूर्नामेंट करवाऊँ और उनसे यहाँ से यंग लड़के निकलवा के उनको आगे खिला सकूँ। तो इंशाल्लाह इतना जितने भी हमारे से होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा आल मेहरान टाउन की तरफ से होगा हम सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह ग्राउंड की कमी है तो उसके लिए मैं अपील करता हूँ हमारे जो बड़े हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कि वो हमें यहाँ पर एक प्रोवाइड तरीके से लाइटें लगवा के दे हमारे बच्चे खेल सकें और कल के लिए वो एक क्रिकेटर एक फुटबॉलर निकले वो मंशियात फरोश या मंशियात पीने वाला ना निकले क्योंकि 90% लोग यहाँ पे सिर्फ मंशियात ये ईदगाह चारों तरफ से आपने देखा हुआ है आप यहाँ से वाकिफ़ वो सबसे ज़्यादा पोटरी नशाई बैठे होते हैं तो हमने इसको आबाद किया है और इंशाल्लाह मेरा मिशन यही है शरीफ आबाद में जितने भी यंग लड़के निकलेंगे अल्लाह के हुक्म से हम उनको सपोर्ट भी करेंगे और उनके खिलाएंगे भी और इंशाल्लाह पूरा माह रमज़ान क्रिकेट खेलते रहेंगे अल्लाह के हुक्म से। खिलाड़ियों का कहना था कि हार जीत मसला नहीं बस एक मौका होता है अपने आप को चुस्त और तवाना रखने का। सबसे बड़ा मकसद तो यह है कि हमारे जो इलाके की यूथ है जो हमारे नौजवान हैं वो रमज़ान में ख़ास तौर पर सहरी तक तो सोते नहीं हैं तो होटलों पे थड़ों पे गली चौराहों पे खड़े होकर सीखा मखा में टाइम ज़ाया करते थे। तो पिछले साल हमारे जो UC चेयरमैन हैं निशान सेब स्वाति साहब उन्होंने ये टूर्नामेंट का इनेकाद करवाया था कि चलो जो हमारी यूथ है वो किसी हेल्थी एक्टिविटी में लगेगी किसी अच्छे काम में लगेगी तो इस वजह से उन्होंने ये टूर्नामेंट का आगाज़ करवाया था पिछले साल और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमारा टूर्नामेंट बहुत कामयाब गया था तो इसी वजह से इस साल जो है हमारे साकिब खान भाई हैं उन्होंने इसको कंटिन्यू किया है और दोबारा से करवा रहे हैं। तो उसमें यह है कि जो हमारे नौजवान लड़के हैं वो बजाय किसी गलत कामों में पढ़ने के या मोबाइलों में गेम खेलने में बेहतर है कि वो यहाँ पर आके उनकी एक अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है और एक हेल्थी एक्टिविटी हो जाती है, सब लोग आके जो है ना वो यहाँ पर एंजॉय भी करते हैं
और क्रिकेट भी हो जाती है, तो ये कि अच्छा टाइम गुजर जाता है, अच्छा टाइम स्पेंड होता है उनका। तो हमारे से काफ़ी लोगों ने वादा किया कि हम लोग ग्राउंड में लाइटें लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर साल गुजर गया, दूसरा साल है वही लाइटें हम लोग खुद लगाते हैं। तो इस बार हमें ये शर्जील भाई नज़र आए हैं जो सिंध कौंसिल के मेम्बर भी हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी से, तो हमें बहुत उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं कि हमारे इलाके के लिए कुछ करेंगे, ग्राउंड के लिए करेंगे, और स्पेशली यंगस्टर जितने भी हैं उनको भी ये एतमाद में लेकर चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनसे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे कम से कम ग्राउंडों में पोल लगा के देंगे और लाइटिंग का अच्छा इंतज़ाम होगा और हमें ये वाली तकलीफ़ें नहीं उठानी पड़ेगी इंशाल्लाह।